आपके बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट और चॉइस आपकी बिल्कुल डिफरेंट, मतलब ये समझ से बाहर है कि काम कुछ और कर रहे हैं और सियासत में आना, मतलब ये कैसे, क्या सोचा हुआ था इस कॉलेज स्कूल के ज़माने में, किसी उसमें थे? कॉलेज में मैं एसएम कॉमर्स कॉलेज में था, तो उस वक्त जब इंटर कर रहा था तो APMSO में शमूलियत की थी, और 88, 89 और 90 में APMSO में थे, फिर 91, 92 में मैं DHA डिग्री कॉलेज में चला गया, तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज अलाउड नहीं थी, लेकिन फिर भी हमदर्दियाँ थी और पार्टी के और APMSO के जितने भी इवेंट्स होते थे उसमें ज़रूर जाता था। फिर 93 में अमेरिका चला गया और 97 में वापस आके ज़्यादातर तवज्जा बिजनेस पे वालिद साहब के साथ उस पे दी, लेकिन उसके साथ साथ सियासत का शौक था। तो कभी कोई इतराज़ात नहीं है वालिद साहब के, बेटा अच्छा खासा काम करो, ये क्या, क्यों हमारे तो ये कहते हैं ना, ये शरीफों का कहाँ काम है, कहा जाता है ना ये। असल में बेटा अपने वालिद से ही सीखता है, वो खुद भी बहुत ज़्यादा सियासत में इन्वॉल्व थे, तो उनको देखते हुए साथ में जाहिर है मेरी भी इंटरेस्ट रही है। हम 12 मई को नहीं मानते, हम किसी चीज को नहीं मानते, नहीं मैं ऐसा नहीं, किस चीज को देखिए, ये तो जाहिर है कुछ गलत चीजें थी जो साथ में अटैच हुई थी, हुई थी ना, सुनिए, लेकिन इसमें सारी इल्जाम एमकेएम का भी नहीं है। आपको, आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि 12 मई जब हुआ था और इससे पहले भी जब 92 में ऑपरेशन हुआ था, फिर 94 में नसीरुल्लाह बाबर का ऑपरेशन हुआ था, तो क्या वो एमकेएम के ऊपर सही हुआ था? उस वक्त तक जब 88 में, 86 में, 84 में जब एमकेएम बनी थी, 86 में इलेक्शन लड़ा था, फिर आपके पास मेयर आया था, कराची पीसफुल चल रहा था, चलते चलते 92 में सबसे पहले आपने ये ऑपरेशन किया, मतलब अग्रेशन हुई तो उसका रिएक्शन हुआ, यानी कि रिएक्शन मान रहे ना, रिएक्शन ऐसा कैसा रिएक्शन, रिएक्शन क्यों नहीं होता जी? आप जाए किसी पख्तून के घर में जाइए, आप किसी पंजाबी के किसी और के घर में जाइए, उसके घर में जाके उसको जरा तंग कीजिए, फिर देखें वो क्या करता है आपके साथ, या कोई भी इंसान है अगर उसके घर में आप हमला करेंगे तो वो रिएक्ट करेगा। ओके जनाब, अब क्योंकि घर से हम खुदाफिस हो रहे हैं और अपने सफर पे जा रहे हैं, जो मैं हमेशा कहती हूँ ये इंग्लिश वाला नहीं उर्दू वाला सफर है, तो हम चलेंगे अपने सफर पे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ सबको खुदाफिस, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच भाभी, एंड थैंक यू सो मच। आपको पता है इसके अंदर क्या है? ये मेरे लिए बहुत अजीज है क्योंकि इसके अंदर चटनी है और मदीना से आए हुए खजूर है, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जनाब, तो थैंक यू सो मच। मोहब्बत का ये डब्बा मैं भेजती रहूंगी और भर भर के आता रहेगा, भाभी ने ऑफर किया मुझे, बता रही हूँ मैं। आई सर प्लीज, ओके जी, खुदा हाफिज़।